दोस्तों एक और नई वैकेंसी के साथ हाजिर हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट में आई सीधी भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, स्पाइसजेट एयरलाइंस की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप केवल 10वीं पास भी हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, चाहे राजस्थान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए जो आपको सैलरी मिल रही है 42,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों अगर आपका सपना है एयरलाइंस में जॉब करने का, देश विदेश घूमने का, तो आप सभी के लिए एयरपोर्ट की ये जो सीधी भर्ती है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, मैं आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से शिकायत है, रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को लाइक नहीं करते तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रोजाना लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिल सके। तो दोस्तों एयरपोर्ट में ये जो सीधी वैकेंसी निकाली जा रही है, ये स्पाइस जेट की तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही है और इस रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 50 साल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज मिनिमम 18th ईयर है और मैक्सिमम 50 ईयर्स है तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपसे जो एप्लीकेशन फीस है बिल्कुल भी नहीं ली जा रही है, फ्री में आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी कैंडिडेट्स फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम आपको बताएंगे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और सबसे पहले आपको बता दें ये रहा ऑनलाइन फॉर्म, आपको बताएंगे कैसे आपको फिल करना है। लेकिन हमारी वेबसाइट के माध्यम से हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों स्पाइसजेट एयरलाइंस की तरफ से ये वैकेंसी जारी की जा रही है और यहां पर पोस्ट की बात करते हैं तो कौन-कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले जो पोस्ट आ रही है वो है केबिन क्रू की, उसके बाद है एयरपोर्ट सर्विसेज की, उसके बाद है ग्राउंड स्टाफ की, उसके बाद है पायलट की पोस्ट, उसके बाद है कस्टमर केयर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, उसके बाद अदर वैकेंसीज भी है जिसमें काफी सारी वैकेंसीज आती है जो कि ग्राउंड्स की वैकेंसीज हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यहां पर वैकेंसीज दे रखी है और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन रहेगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू होगा। और यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि यहां पर एप्लीकेशन फीस जो है आपसे बिल्कुल भी नहीं ली जा रही है। ठीक है, फ्री में आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स, बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट्स। और यहां पर एज लिमिट जो है 18 से 50 साल है। ठीक है, अगर आपकी एज भी 18 से 50 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अब बात करते हैं तो यहां पर मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास, उसके बाद 12th और ग्रेजुएट, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वालिफाइड है तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है। और अब आपको बता देते हैं इसके लिए एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ईमेल आईडी भी दे रखे हैं, यहाँ पर आप चाहें तो आपका जो सीवी रिज्यूम है वो आप यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। इस वैकेंसी की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और एज सून एज पॉसिबल जल्द से जल्द आप जो है आवेदन कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट डेट अभी तक कोई भी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, और आपको बता दें आवेदन करने का जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पर आप क्लिक करके सीधा आप जो है स्पाइसजेट के करियर पोर्टल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइसजेट का ये करियर पोर्टल है, यहाँ पर वेरियस कैटेगरीज के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन, आप चाहे तो ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप पोस्ट करके अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं आपका सीवी या फिर रिज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार आप नोटिफिकेशन पे जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर अगर आपके सामने ये अप्लाई नाउ का बटन एक्टिवेट है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सीधा ऑनलाइन फॉर्म पे आ सकते हैं। यहाँ पर आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है जैसा कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये आपको फिल करना है। उसके बाद आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पर आप रहने दीजिएगा और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन दें, उसके साथ ही साथ उसकी फोटोकॉपी आप अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपका रिज्यूम अपलोड करना है, उसके बाद आपकी जो भी एजुकेशन के सर्टिफिकेट है वो अपलोड करके आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों ये जो फॉर्म है केवल केबिन क्रू की पोस्ट के लिए,
है, उसके बाद अदर पोस्ट के लिए आपको केवल ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपका जो रिज्यूम सीवी है वो आपको अपलोड करके सबमिट करना होगा। आपको वहां पर पोस्ट के बारे में ही पर्टिकुलर मेंशन करना होगा आपके ईमेल आईडी पे, ताकि उनको ये पता चले कि किस पोस्ट के लिए किस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको रिक्रूटमेंट की जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल है या शंका है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।